मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पैडागोजी ऑफ कॉमर्स और पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पैडागोजी ऑफ मैथ्स, इसमें हम लोग करेंगे आज स्किल ऑफ इलुस्ट्रेशन विद एग्जांपल। ठीक है, इससे पहले हम लोग स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन और स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट वो हम लोग कर चुके हैं, तो आज ये हमारी लास्ट स्किल है। वैसे तो उसकी लास्ट नहीं है, पर सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी लास्ट स्किल है। इससे पहले जिन बच्चों ने वो स्किल्स नहीं देखी हैं तो वो एक बार उन स्किल्स की वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन स्किल में से पक्का ही आएगा। चाहे तो वो लेसन प्लान की फॉर्म में पूछ ले स्किल को, चाहे वो सिंपल थ्योरी की फॉर्म में पूछ ले, तो ये एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन एक स्किल में से आएगा ही आएगा। थोड़ा सा स्किल्स का एक और बात बता दूं कि स्किल्स को आपने उनके कंपोनेंट से पहचानना है। स्किल और कंपोनेंट दोनों सेम होनी चाहिए, तभी आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। तो रेलिवेंसी होती है कंपोनेंट्स और स्किल के अंदर, क्योंकि स्किल कंपोनेंट से ही हम स्किल आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी स्किल है वो है स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। तो पहले तो हम नाम ही समझते हैं, नाम क्या है, कि नाम का मतलब क्या है, कि हेयर वी वॉन्ट टू गो इलुस्ट्रेट, कि किसी भी कंसेप्ट को हमने इलुस्ट्रेट करना है, एक्सपेंड करना है, समझाना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, कि हमने यहाँ पर एग्जांपल्स का यूज़ करना है। एग्जांपल्स लाइव भी हो सकते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली भी हो सकते हैं, और जो एनवायरनमेंट में चले हुए एग्जांपल्स वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे, एलोबरेट करोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, कि यहाँ पे हमने मोर स्ट्रेस देना है उदाहरणों पे, कि हम बहुत सारे उदाहरण जो हैं हम देखते हैं। ठीक है, मैनी अ टाइम अ टीचर फील्स डिफ़िकल्टी इन मेकिंग द पीपल अंडरस्टैंडिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। मेनली जब ये चलता है तो ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे चलती है, रियल में नहीं चलती कंसेप्ट और प्रिंसिपल डिस्पाइट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। ही मे देन रिसोर्ट टू अ प्रोसेस आउटलाइन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिगिंस विद एन एग्जांपल, ही बिगिंस विद एन एग्जांपल एंड ट्राइज टू इलुस्ट्रेट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कंसेप्ट प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। He repeat the process of illustration by giving various other examples. ठीक है, suppose करो मैंने एक हम लोगों ने कोई एक transport की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने एक फ़ोटो या कुछ, या टीचर ने एक फ़ोटो या दिखाई टू व्हीलर की दिखाई, कि बाइसिकल है वो, टू व्हीलर एक ट्रांसपोर्ट का मेथड है कि जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हम विजिट कर सकते हैं टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फिर एक दिखाई, एक हम बच्चों से पूछ सकते हैं, आप बताओ टू व्हीलर के या थ्री व्हीलर के और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं फोर व्हीलर के, इस तरीके से एग्जांपल से स्टार्ट करके अपने कंसेप्ट को बढ़ाना है। ही हेल्प्स द स्टूडेंट टू जर्नलाइज और इनफेयर अ रूल और प्रिंसिपल। He asked the student to give examples. कि first of all, teacher give the example to elaborate the abstract idea. Then after repeating or after giving some example, teacher will ask from the students, now it's your turn to give some more examples. The process outlined above concerned with the use of the skill of illustration with examples. Examples are nothing but the situation or object illustrating the occurrence or application of an idea. The media and ways of illustrating with examples may cover things like giving analogy, telling a story, incident, showing object, models, pictures, diagrams, maps and chart, and demonstrate experiments based on the people's experiences. The proper use of example in any way necessity to learn it as a skill, and the skill of illustrating with example may then be defined as the art of judicious selection and proper presentation of the suitable example in order to generalize a concept, idea,
और प्रिंसिपल विद अ व्यू टू इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर एप्लीकेशन। होप कि आपको एग्जाम्पल्स के स्किल्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर इस स्किल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, कि यहाँ पर हमें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमें अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एलिब्रेट करना है। हमने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को बच्चों को जनरलाइज करके समझाना है। मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया, अभी हम बता देते हैं। जैसे कि आप एक चीज़ आप विद द हेल्प ऑफ एनालॉगी, स्टोरी टेलिंग, शोइंग ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप दिखा रहे हो बच्चों को, फिर आप उसको समझाओगे और फिर आप बच्चों को अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेक करोगे, उनका एक्सपीरियंस चेक करोगे। आप उनसे पूछोगे कि आप इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपके पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, आप उन सबको बताओ। तो पहले टीचर क्लियरिफाई करेगा, फिर कुछ एग्जांपल्स वो देगा, फिर वो बच्चों से पूछेगा कि आपकी बारी है, अब आप बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके माइंड में आ रहे हैं। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे ने पहले देखा या सुना हुआ होता है उनके बेसिस पे बच्चे जो है वो एग्जाम्पल्स देंगे। हेयर नाउ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्किल। द मेन कॉम्पोनेंट्स हैं एज यू शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड, फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, कि एक टीचर को क्या करना है, जो कंसेप्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया उन्होंने समझाया है, उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के रिगार्डिंगली रेलिवेंट एग्जाम्पल्स क्लासरूम में लेकर आने हैं। रेलिवेंट मीन्स कि कंटेंट को शूट करने चाहिए, कंटेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो एग्जाम्पल्स होने चाहिए, आउट ऑफ कंटेंट जो है एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए। देन फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स की फॉर्म कैसी होगी, सिंपल होगी। सिंपल क्यों होगी, क्योंकि आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे दे आर लेस मेच्योर देन यू, दे आर लेस एक्सपीरियंस देन यू, उन बच्चों को एक्सपीरियंस आपके कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। मैक्सिमम वो 9th या 10th के बच्चे होंगे 6th से शुरू होकर, तो उनका मेच्योरिटी लेवल जो है, उनके एक्सपीरियंस जो है एक टीचर के कंपैरेटिवली कम होंगे। तो जितने भी एग्जांपल्स यूज़ करने हैं वो सिंपल होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होने चाहिए। आप किस क्लास के बच्चों के लिए फॉर्मुलेट कर रहे हो टॉपिक, उसके अकॉर्डिंगली सिंपल रखे होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। क्लासरूम रियल टीचिंग के टाइम हम लोग कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स चूज़ कर सकते हैं, बट वाइल प्रैक्टिसिंग यू हैव टू यूज़ द सिंपल एग्जांपल्स। देन यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया, यहाँ पर मीडिया का क्या मतलब है कि आप क्या कंसेप्ट, क्या चार्ट लाए हो, फ्लैश कार्ड लाए हो, ब्लैक बोर्ड यूज़ करोगे, कोई पिक्चर्स यूज़ करोगे, कोई स्टोरी यूज़ करोगे, कि किस मीडिया के थ्रू आप अपना एग्जांपल जो है वो एलिब्रेट करने जा रहे हो। तो आपको यहाँ पर एप्रोप्रिएट ही मीडिया यूज़ करना है। ये नहीं है कि पिक्चर आप कोई और बता रहे हो, स्टोरी आप किसी और की सुना रहे हो, नहीं, आपको एप्रोप्रिएट मीडिया का यूज़ करना है अपने एग्जांपल्स को समझाने के लिए। देन मेकिंग यूज़ ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, यहाँ पर एक अप्रोच की बात हो रही है। हिंदी में इसको आगमन और निगमन विधि बोलते हैं, कि यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव जो अप्रोच है वो बेस करती है डेवलपिंग अ थ्योरी, कि किसी भी थ्योरी को डेवलप कैसे करना है, और डिडक्टिव अप्रोच बताती है कि उसको कैसे हमने अप्लाई करना है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों अप्रोचेस जो हैं वो इस स्किल के अंडर यूज होंगी। अकेला इंडक्टिव अप्रोच से भी काम नहीं चलेगा और अकेला डिडक्टिव अप्रोच से भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों का हमने यहाँ पर इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, कि इंडक्टिव अप्रोच कब लगानी है और डिडक्टिव अप्रोच कब लगानी है, ये खुद पहले टीचर को क्लियर होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को समझा पाएगा और तभी वो इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच को यूज़ कर पाएगा। ठीक है, देन लास्ट वन इज़ फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स शुड बी क्लियर, सिंपल, ठीक है, और रेलिवेंट होने चाहिए। देन दे शुड बी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्यों होंगे, हमने बच्चों को हंसाना कोई है, हमने बच्चों को फनी थोड़ा हंसाना है। फनी का मतलब यहाँ पे इंटरेस्टिंग का मतलब है कि कंसेप्ट से रिलेटेड होने चाहिए
और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे बहुत दिल से उस एग्जांपल्स को देख पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग इस वे में होंगे वो, ठीक है, ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे कि हाँ उन्होंने आज नई चीज़ सीखी है, कि सीखी हुई चीज़ को दोबारा से उन्होंने एग्जांपल्स के थ्रू रेलिवेंट करके हम उनको यहाँ पर समझाएंगे। तो एक बार फिर से इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट एग्जांपल्स, एग्जांपल्स कैसे होंगे रेलिवेंट टू द कंसेप्ट, फिर सिंपल होंगे, फिर वो इंटरेस्टिंग भी होने चाहिए, और यहाँ पर हमने एप्रोप्रिएट मीडिया यूज़ करना है अपने एग्जांपल्स को एलोबरेट करने के लिए। यहाँ पर हम इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच लगाएंगे ताकि बच्चों को अच्छे से जो चीज़ है वो समझ में आ सके, ठीक है। तो होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी क्वेश्चन करना है, मैंने हर वीडियो में यही बात बताई है कि पहले आपने मार्क्स देखने हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, 8 मार्क्स का आया हुआ है या 16 मार्क्स का आया हुआ है। अगर 8 मार्क्स का आया हुआ है तो आप सिर्फ सिंपल थ्योरी से समझा सकते हो। अगर वहीं पर ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का है तो आपको पहले थ्योरी एक्सप्लेन करनी है और फिर मेक अ लेसन प्लान। अगर क्वेश्चन में लाइन गिवन है कि आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करना है ऑन दिस एंड दिस स्किल, तब आप थ्योरी भी लिखोगे और प्रैक्टिकल के लिए वो एक लेसन प्लान भी प्रिपेयर करोगे, तब मार्क्स चाहे कोई कितने भी क्यों ना हो, अगर 8 का है तब भी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की सेंस समझकर क्वेश्चन को आपने करना है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ खाली थ्योरी को आप एक्सप्लेन कराओगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप चाहे उसने कह रखा है या नहीं कह रखा, प्रिपेयर लेसन प्लान, आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करके आना ही आना है। पहले थ्योरी, इसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने क्या करना है, अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू स्किल। जो गिवन स्किल होगी उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। कंपोनेंट्स मैं बारी बारी फिर से कह रही हूँ कि स्किल और कंपोनेंट मिसमैच मत करना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। आप लोग कहोगे कि हम तो क्वेश्चन कंप्लीट करके आए हैं, बट सारा खेल किसका है, कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स स्किल से मैच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे, अच्छे नंबर आपके आ पाएंगे, ठीक है। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आप कमेंट कर सकते हो या आप कॉलेज में आकर अपनी क्वेरीज कर सकते हो, ठीक। थैंक यू।